दिल्ली एनसीआर में इतनी जबरदस्त बारिश हुई है कि 88 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, लेकिन इसी के साथ बारिश के बाद हालात से निपटने में सिस्टम पूरी तरह फेल नजर आया और यह हाल तब है जब अभी तो बारिश शुरू हुई। शुक्रवार को हुई मॉनसून की पहली बारिश ने दिल्ली को पानी पानी कर दिया। दिल्ली दरिया बन गई और लोग तैरते नजर आए। कहीं गाड़ी डूब रही थी, कहीं घर, कहीं लोग। पानी की बूंद बूंद को तरसती दिल्ली में मॉनसून की पहली बारिश ही इतनी बरस गई कि राजधानी मुसीबतों का शहर बन गया। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, अंडरपास में पानी भरने से गाड़ियां फंस गई, नेशनल हाईवे तक पर पानी जमा हो गया। बारिश इतनी हुई कि इसने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। जून में इतनी ज्यादा बारिश ने 88 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जून के महीने में दिल्ली में 24 घंटों में अब तक की सबसे अधिक बारिश 28 जून 1936 को 235.5 मिलीमीटर दर्ज की गई थी। इस बार शुक्रवार को हुई 228.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग की माने तो ये अब तक का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली में जून में औसतन बारिश 80.6 मिलीमीटर तक होती है, लेकिन इस बार 3 गुना ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। पहली ही बारिश में दिल्ली डूब गई। मथुरा रोड जलमग्न, प्रगति मैदान टनल बंद, तिलक ब्रिज अंडरपास में पानी, मिंटो रोड अंडरपास में सैलाब, संसद भवन, शांति मार्ग, लोधी रोड, लुटियन जोन, नेशनल मीडिया सेंटर, पौश इलाका हो या कच्ची कॉलोनी, हर जगह पानी पानी। दिल्ली ऐसी दिख रही थी जैसे समंदर में शहर समाया हो। पानी काफी हद तक कम हो गया है, तब जाके ये हाल है। जिस वक्त पानी, जिस सब सुबह जब ताबड़तोड़ और मूसलाधार बारिश हो रही थी, उस वक्त यहाँ पानी का स्तर क्या रहा होगा। सुरक्षा के मद्देनजर इस पूरे टनल को बंद किया गया है और कोशिश की जा रही है कि हैवी पंप सेट के जरिए, जो कि इस टनल में पहले से ही जब प्लानिंग की गई थी कि कभी इस तरीके की स्थिति आती है, कभी जल भराव की समस्या होती है या तेज़ पानी आता है, तो यहाँ से पानी की निकासी कैसे हो, तो बड़े हैवी पंप्स के जरिए पानी निकालने की कोशिश जरूर की जा रही है। मॉनसून की पहली बारिश दिल्ली वालों के लिए आफत लेकर आई। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। वसंत विहार में एक निर्माणाधीन इमारत के गड्ढे में फंसने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। एक दिन बाद तीनों मजदूरों के शव को मलबे से निकाला गया। चश्मदीदों के मुताबिक दीवार गिरने से 3 मजदूर उसमें फंस गए थे। इसके बाद बेसमेंट में लगातार हुई तेज बारिश के बाद करीब 10 फीट पानी भर गया था। देखिए, दिल्ली सरकार निकम्मेपन की इंतहा कर दी है। हर साल पानी लगता है, लेकिन पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी से पूछिए, क्या आपने किसी नाले को क्लीन करके, डीसिल्ट करके, उसमें पानी के बहाव को बारिश के अनुसार करने की कोशिश की? जवाब मिलेगा नहीं। मॉनसून की पहली बारिश का असर देश के टॉप अस्पतालों में गिने जाने वाले एम्स पर भी पड़ा है। देश भर से आने वाले मरीजों का इलाज करने वाला दिल्ली एम्स खुद ही बीमार पड़ गया। भारी बारिश के बाद दिल्ली एम्स परिसर की लिफ्ट लॉबी में भी पानी भर गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एम्स की लिफ्ट लॉबी में किस तरह से पानी भरा है। इससे मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह लाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, तेज बारिश से एम्स के कामकाज पर भी असर पड़ा। भारी बारिश के बाद छतों से पानी लीक होने और एसी बंद होने की वजह से शुक्रवार को दिल्ली एम्स में सभी ऑपरेशन थिएटर बंद रहे। एम्स के इमरजेंसी में ऑपरेशन नहीं किए जा सके। मरीजों को सफदरजंग या दूसरे सरकारी अस्पतालों में रेफर कर दिया गया। दिल्ली में बारिश के बाद दिल को झकझोर देने वाला हादसा हुआ। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में 2 बच्चों की बारिश के पानी में डूबने से मौत हो गई। इन बच्चों की उम्र 8 और 10 साल थी। न्यू उस्मान नगर के पास खादर इलाके में करीब 5 फीट की गहराई वाली एक खाई में बारिश का पानी जमा हो गया था, जहां दोनों बच्चे खेल रहे थे। दिल्ली में पानी पर हमेशा से सियासत होती है। चाहे दिल्ली बूंद बूंद को तरसे या फिर जिंदगानी पानी पानी हो जाए, इस जलभराव के मुद्दे पर भी राजनीति अब तेज है। जलभराव की वजह से प्रगति मैदान टनल बंद करने के बाद बीजेपी ने वीडियो पोस्ट के जरिए निशाना साधा।
उधर कांग्रेस नेता उदित राज ने भी बीजेपी पर हमला बोला और आम आदमी पार्टी को बारिश को लेकर एहतियात बरतने की सलाह भी दी। पार्टी की भी जिम्मेदारी है, जो एनडीएमसी का एरिया है, एमसीडी का एरिया है, और उन्हें मालूम था कि बड़ा भारी वर्षा होने वाली है, तो एहतियात उनको बरतना चाहिए था। फिलहाल बारिश काल अभी शुरू ही हुआ है, पहली बारिश में 88 साल का रिकॉर्ड टूटा है। अगर सिर्फ राजनीति ही होती रही तो अगली बारिश में भी डूबती दिल्ली की ऐसी ही तस्वीर दिखेगी, इससे गुरेज नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो दिल्ली ही नहीं, पूरे देश के कई शहरों में परेशान करने वाली तस्वीरें देखने को मिल रखी हैं। कहीं सड़कें जलमग्न हैं, कहीं घर, लिहाजा लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए इसी पर रिपोर्ट। बारिश और बाढ़ का विकराल रूप, शहर शहर सैलाब का कहर, बाढ़ में बेबस जिंदगी, बेकाबू बाढ़ का प्रहार, सड़कों पर बहा सैलाब, मॉनसून की शुरुआत क्या हुई, हर जगह पानी का पहरा दिखाई देने लगा, देश के कई शहर जलमग्न हो गए, आशियाने ढहने लगे, सड़कें तालाब में तब्दील होने लगी, तो नदियों में उफान नजर आने लगा। सड़कों पर आया सैलाब, पीलीभीत, यूपी। पहली बारिश में सिर्फ दिल्ली का हाल बुरा नहीं दिखा, बल्कि यूपी के कई शहरों का हाल बेहाल दिखा। जहां पहली ही बारिश ने नगरपालिका के सारे दावों को ध्वस्त कर दिया, सड़कों पर पानी इतना भर गया कि वहां मौजूद स्कूटर, मोटरसाइकिल उसमें डूबे नजर आने लगे। गनीमत थी कि कार के पहिए थोड़े बड़े होते हैं, वरना कारें भी इस सैलाब में समा जाती। बारिश में डूब गया मोहल्ला, संभल, यूपी। अब आपको यूपी के एक और जिले की तस्वीर दिखाते हैं। संभल के सदर इलाके से आई इन तस्वीरों में पूरा मोहल्ला जलमग्न दिखाई दिया। अपने ही मोहल्ले में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रैक्टर और बैलगाड़ी का सहारा लेते लोग दिखे। यही नहीं, मोहल्ले के रास्तों पर इतना पानी भरा दिखाई दिया कि मोटरसाइकिल भी डूब गई। पानी बरसने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, लेकिन जब इंद्र देवता मेहरबान हुए तो इतने मेहरबान हो गए कि पूरे मोहल्ले को ही डुबा दिया। लोगों के आशियाने के अंदर पानी भर गया। अगर इस मोहल्ले में पानी के निकासी की व्यवस्था दुरुस्त होती तो शायद ये मंजर नजर नहीं आता। बारिश के कारण गांव की व्यवस्था खराब है, जल की वजह से गांव की रास्ता सब रुकी पड़ी है, लोगों के मकानों में पानी भर रहा है, खाने पीने की दिक्कत है लोगों को। ये बस बारिश का पानी से ढेर इतना भर जाता है कि हद से ज्यादा, और लोगों के घरों में पानी भर रहा है। मैक्सिमम लोगों को जो घर आ रहे हैं, किसी की दीवार गिर रही है, कुछ खाने के लिए परेशान है, और दूसरों के घरों में जाकर गुजारा कर रहे हैं। डूब गया डीएम का ऑफिस, हरदोई, यूपी। बारिश से न सिर्फ आम लोग बल्कि खास लोगों पर भी मुसीबत आन पड़ी है। यूपी के हरदोई से कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई हैं। हरदोई में एक घंटे की बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया। हरदोई के डीएम ऑफिस में भी बाढ़ का मंजर नजर आने लगा, तो वहीं सरकारी अफसरों के दफ्तरों और घरों में बारिश का पानी घुस गया, जिससे अफसरों के घरों में सामान तो भीग ही गया, घर में बैठने की जगह तक भी नहीं रही। हम लोग देख सकते हैं आपको जल निगम ऑफिस के जस्ट बगल में जल निगम के सहायक अमिता का बाबा आपको दिखा रहे हैं। स्थिति आपने देख ली है, क्या है, मेरे पैरों की तरफ देखिए कि 2.5 से 3 फुट पानी है कमरे के अंदर, बेडरूम है ये उनका। क्या है स्थितियां यहाँ की? स्थितियां बहुत खराब ही है। किसका आवास है ये? ये हमारे सहायक अमिता अमित सर का है। कैसे क्या पानी निकलेगा, ये गंदगी कैसे बाहर होगी? अभी ये बाल्टी से निकालनी पड़ेगी और इसका कोई और चारा नहीं। इसका कितना टाइम हो गया है? अभी इसको 1 घंटा हो गया। बाढ़ का अलर्ट, कोटद्वार, उत्तराखंड। उत्तराखंड के कोटद्वार में अभी से बाढ़ का अलर्ट है। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद नदियों का पानी उफान पर है, लिहाजा कोटद्वार प्रशासन फुल एक्शन में है। नदियों का ड्रोन सर्वे कराया जा रहा है। जिन इलाकों में जमीन कटने की आशंका है उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, ताकि बाढ़ के प्रहार के दौरान इन इलाकों में फौरन रेस्क्यू कराया जा सके। Yeah.
देश भर में इस बार जहां गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, उसी तरह संभावना जताई जा रही है कि बारिश भी इस साल पूरे देश में जबरदस्त तरीके से होगी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत के कई शहरों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है और आने वाले वक्त के साथ साथ मॉनसून रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 3 से 4 दिन में मानसून पूरे भारत को अपने आगोश में ले लेगा और अब की बार भारी और अति भारी बारिश होने की पूरी संभावना है। जिस तरह से आपने देखा पिछले 3 महीने पूरा भारत और उसमें उत्तर भारत बहुत ज्यादा तपा और गर्मी हीट वेव के दिन भी बढ़े और इस तरह से क्लाइमेट चेंज का असर हमारे एशिया महाद्वीप और उसमें भारत पर बहुत ज्यादा पड़ने जा रहा है। उसकी वजह से एक्सट्रीम इवेंट्स होंगे, बारिश होगी तो बहुत बारिश होगी। ऐसा माना जा रहा है कि जितनी गर्मी ने अपने रिकॉर्ड्स को बीट किया वैसे ही मानसून भी दस्तक देगा और बारिश की वजह से भी तमाम रिकॉर्ड्स बीट करेंगे। इस वक्त न्यूज 18 टीम आप देख सकते हैं कि ये वैधशाला है, सरस्व विज्ञान विभाग, इसके जो यहाँ वैज्ञानिक, इनका मानना है कि चेंज ऑफ क्लाइमेट की वजह से जिस तरह गर्मी ने तमाम अपने रिकॉर्ड्स को बीट किया तो वैसे भी बारिश भी अपने तमाम रिकॉर्ड्स को बीट करेगी और ऐसा माना जा रहा है कि 3 से 4 जुलाई के आसपास बारिश और तेज होगी और इसकी जो संख्या और बढ़ेगी, औसतन से ये और इंक्रीज आउट करेगी। अगर बात की जाए साउथ से तो साउथ में जो एवरेज बारिश है उससे 18 से 20% तक बढ़ने के भी फिलहाल आशंका है और ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में भी जो बारिश है अपने एवरेज से और ज़्यादा होगी, यानी आने वाले समय में मानसून भी दस्तक देने जा रहा है और अपने तमाम रिकॉर्ड्स को भी बीट करेगा। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। उत्तराखंड के कई शहरों में अगले 2 दिनों में जबरदस्त बारिश हो सकती है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है और जहां लैंडस्लाइड का खतरा है वहां SDRF की टीम की तैनाती भी कर दी गई। उत्तराखंड में मॉनसून की दस्तक के बाद आज और कल के लिए तेज बारिश का अलर्ट है। आज के लिए येलो अलर्ट जबकि कल के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार के साथ पहाड़ी जिलों में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। शुक्रवार को कुमाऊं के रास्ते से मॉनसून की एंट्री हुई। चंपावत के बनबसा में जोरदार बारिश हुई। बनबसा में कुल 71 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं बारिश का असर पूरे प्रदेश भर में देखा जा रहा है। वहीं प्रशासन का कहना है कि PWD सिंचाई विभाग लगभग अपनी तैयारियां कर चुके हैं। आपदा की स्थिति के लिए NDRF, SDRF को जरूरी सामान उपलब्ध करा दिए गए हैं। 29 जगह SDRF को तैनात किया गया है तो 7 जगह NDRF की तैनाती की गई है। हमारी तैयारी सिर्फ ये कि किस तरह से हम इन्फॉर्मेशन लें और भेजें, थोड़ा रिस्पांस पे हमारा अब ज्यादा ध्यान रहेगा क्योंकि बारिश तो होगी अपनी जगह, हम फ्लड के सिचुएशन भी क्रिएट होंगे, कहीं थोड़े लैंडस्लाइड भी होंगे, तो उसके लिए हमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। चमोली में हाथी पर्वत के पास की सड़क के हाल खराब है। पिछले साल बरसात में सड़क का एक हिस्सा नदी में समा गया था जो ठीक नहीं किया गया, ऐसे में इस बार भी तेज बारिश से सड़क पर खतरा बना हुआ है। वहीं नैनीताल में आवागढ़ के इलाके में पिछले साल लैंडस्लाइड हुआ था जिसके बाद यही ट्रीटमेंट का काम होना था जो पूरा नहीं हो पाया। मानसून की बारिश शुरू हो गई है और अब खतरा बढ़ गया है। वहीं अल्मोड़ा के रानी धरा रोड में बारिश के कारण कई घरों में मलबा घुस गया। लोगों ने जैसे तैसे रात काटी, फिर सुबह घरों से अपना मलबा साफ किया। आज और कल देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 30 जून से 3 जुलाई तक भारी बारिश का पुनर्अनुमान जताया है, जिसको लेकर सरकार समेत सभी विभाग अलर्ट मोड में आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
सोशल मीडिया में एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सिंगर सोनू निगम आशा भोसले के पैर धोकर उनका सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखा दें। मुंबई में हुए एक इवेंट में मशहूर सिंगर आशा भोसले की बायोग्राफी स्वर स्वामिनी आशा लॉन्च की गई। इस मौके पर कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थी, लेकिन स्टेज पर सोनू निगम ने कुछ ऐसा किया जिससे आशा ताई भी हैरान रह गई, उनकी आंखें नम हो गई। इस मौके पर सोनू निगम ने स्टेज पर गुलाब की पंखुड़ियों से आशा भोसले के पैर धोकर उनका सम्मान किया। देखिए कैसे सोनू निगम आशा ताई के पैरों के पास बैठे, फिर कुछ लोगों ने उन्हें एक छोटा स्टूल, पानी की एक थाली और तौलिया दिया। सबसे पहले सोनू निगम ने आशा भोसले जी के पैरों को चूमा, उन्हें अपने माथे से लगाया और इसके बाद सिंगर ने आशा ताई के पैर धोकर उनका सम्मान किया। सोनू ने आशा ताई के पैर भी पोछे। मंच छोड़ने से पहले सोनू ने आशा ताई की ओर देखते हुए अपने हाथ जोड़े और उन्हें प्रणाम किया। इस मौके पर सोनू निगम ने कहा, आजकल सोशल मीडिया पर गाना सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पहले सीखने के लिए सिर्फ लता जी और आशा जी ही थी। इन्होंने पूरी दुनिया को गाना सिखाया। आशा ताई से हमने बहुत कुछ सीखा है, मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। सोशल मीडिया पर सोनू निगम का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस वीडियो को काफी पसंद भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह सोनू निगम ने आशा ताई का सम्मान किया, उनके पैर धोए, ये भारतीय संस्कृति को दर्शाता है और यही हमारे संस्कार है। वही इवेंट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, इस पर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। जहां कुछ लोगों ने सोनू की तारीफ करते हुए लिखा कि यही होते हैं संस्कार। कार्यक्रम में मौजूद सभी मेहमानों और दर्शकों ने सोनू निगम की जमकर तारीफ की और जिस तरह से उन्होंने आशा ताई का सम्मान किया उसको सराहा। अब सोशल मीडिया पर सोनू निगम का ये वीडियो चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।